नमस्कार दोस्तों, अभी हम अकम्मणीय वग को देखने वाले हैं जो अंगुत्तर निकाय में आते हैं, एकक निपात में। अभी हमने पहले निवरण पहाण वग को देखा था, अभी हम अकम्मणीय वग को देखने वाले हैं। इक्कीसवां पैराग्राफ है। नाहं भिक्खवे अयम एकधम्मंपि समुपस्सामि यम एवं अभावितम अकम्मनीयम होती यथाइदं भिक्कवे चित्तम भिक्कवे अभावितम अकम्मनीयम होती इति पठमम। हाँ, इसका ट्रांसलेट हम बाद में देखेंगे, लेकिन ये गाथा है सेम ये नीचे की सेम ये, कुछ फर्क नहीं है। थोड़ा एक फर्क में समझाता हूँ। सेम ये नाहं भिक्कवे सेम ये है। अयम एकधम्मंपि समनुपस्सामि यम एवं भावितम। यहाँ पे एक फर्क है, भावितम और ऊपर क्या है, अभावितम, फर्क यही है, अभावितम और यहाँ पे भावितम है। क्या है? भावितम। 21वें पैराग्राफ में अकम्मनीय है और यहाँ पे कम्मनीय, यही फर्क है। अ आगे लगा हुआ है, भावितम और अभावितम। होती यथाइदम मतलब अकम्मनीयम, और 22वें पैराग्राफ में कम्मनीयम, ये फर्क है। बाकी का सब सेम ही है। भिक्कवे चित्तम चित्तम भिक्कवे भावितम कम्मनीयम, और ऊपर है अकम्मनीयम। होती इति द्वितीयम द्वितीयम और यहाँ पे प्रथमम। अभी हम इसका हिंदी अनुवाद देखेंगे। भिक्षुओं, मैं और कोई दूसरा ऐसा धर्म नहीं जानता जो अभ्यास न करने से इस प्रकार निकम्मा हो जाता है जैसे भिक्षुओं यह चित्त। भिक्षुओं, अभ्यास न करने से चित्त निकम्मा हो जाता है। 22वां पैराग्राफ। भिक्षुओं में और कोई दूसरा ऐसा धर्म नहीं जानता जो अभ्यास करने से इतना काम का होता है जैसा भिक्षु यह चित्त। भिक्षुओं और अभ्यास करने से चित्त काम का हो जाता है। निकम्मा मुझे निकम्मा चित्त मतलब काम का हो जाता है, और निकाम जो काम नहीं कर सकता, निकम्मे हो तुम, ऐसा हमारा चित्त हो जाता है। क्या न करने से? अभ्यास न करने से। और अभ्यास करने से हमारा जो चित्त है मन है काम का हो जाता है, ये फर्क है। मतलब निकम्म और अकम्म, यही फर्क है। 23वां पैराग्राफ सेम ये, कुछ फर्क नहीं है। नाहं भिक्खवे अयम एकधम्मंपि समनुपस्सामि यम एवं अभावितम महतो। अभी दूसरे महतो है, ये कम्मनीय था, अभी यहाँ पे महतो अनत्थाय सवत्तति यथ इदम भिक्खवे चित्तम चित्तम भिक्खवे अभावितम महतो अनत्थायम सवत्तति इति ततियम। सेम ये, कुछ फर्क नहीं। 24वें पैराग्राफ में देखो, 24 नंबर के। नाहं भिक्खवे अयम एकधम्मंपि समनुपस्सामि यम एवं भावितम, आगे है अभावितम भावितम महतो, ऊपर है अनत्थाय और यहाँ पे है अत्थाय, बस फर्क इतना ही है। महतो अत्थाय सवत्तति, महतो 23वें नंबर में देखो, महतो अनत्थाय, और 24 में महतो अत्थाय, 24 में और 23 में महतो अनत्थाय, यही फर्क है, ये हमें समझना होगा। भिक्षुओं, में और कोई दूसरा ऐसा धर्म नहीं जानता जो अभ्यास न करने से इतना महान अनर्थकारी हो जाता है, अनर्थकारी हो जाता है। भिक्षु यह चित्त। भिक्षुओं, अभ्यास न करने से चित्त महान अनर्थकारी हो जाता है। और 24वें पैराग्राफ में क्या दिया है कि
मैं और कोई दूसरा ऐसा धर्म नहीं जानता जो अभ्यास करने से इतना महान कल्याणकारी हो जाता है। मतलब अभ्यास करने से मनुष्य का चित्त क्या हो जाता है, महान कल्याणकारी। अभ्यास करने से चित्त महान कल्याणकारी हो जाता है। एक फर्क है अभी 25वां पैराग्राफ। नाहम भिक्कवे अयम एक धम्मम्पि समनुपस्सामि यम एवं अभावितम। यही भावितम अभावितम यहाँ पे अभी है, पातु भूतम और यहाँ पे अपातु भूतम और यहाँ पे पातु भूतम महतो अत्थाय और यहाँ पे अनत्थाय। सवत्ततिं यथ इदं भिक्कवे चित्तं चित्तं भिक्कवे भावुतं पातु भूतं महतो अत्थाय अपातु भूतं महतो अनत्थाय। फर्क यही है पंचम और सिक्स में, अर्थ देखेंगे हम इसका 25 और 26 नंबर का पैराग्राफ। भिक्षुओं में और कोई दूसरा धर्म नहीं जानता जो अभ्यास न करने से, जिसके अप्रकट रहने से इतना महान अनर्थकारी हो जाता है, जैसे भिक्षु यह चित्त। भिक्षु अभ्यास न करने से, अप्रकट रहने से चित्त महान अनर्थकारी हो जाता है। 26वें पैराग्राफ में, भिक्षुओं में और कोई दूसरा धर्म नहीं जानता, मतलब जिसके प्रकट होने से इतना महान कल्याणकारी ये चित्त हो जाता है। अभ्यास करने से मनुष्य प्रकट होने से चित्त महान कल्याणकारी हो जाता है। सत्ताईसवा नाहं भिक्कवे अयम एक धम्मम्पि समुनु पस्सामि यम एवं अभावितम अबु अबहुलिकतम भावितम अभावितम बहुलिकतम। 28वें पैराग्राफ में क्या बहुलिकतम और 27वें पैराग्राफ में 27 नंबर के अबहुलिकतम और 28 बहुलिकतम, फर्क बस यही इतना है। महतो अत्थाय ऊपर है, अनत्थाय। यथइदं चित्तवे चित्तं भिक्कवे भावितं बहुलिकतं महतो अत्थाय संवत्तति इति अठम। इसका अर्थ देखेंगे अभी हम। भिक्षुओं में और दूसरा धर्म नहीं जानता जो अभ्यास न करने से, बहुलीकरण बार बार अभ्यास न करने से इतना महान अनर्थकारी हो जाता है। जैसे भिक्षुओं बार बार अभ्यास न करने से क्या हो जाता है, मनुष्य का चित्त अनर्थकारी हो जाता है। और 28वें पैराग्राफ में क्या दिया है, 28 नंबर के, बार बार अभ्यास करने से, बहुलीकरण मतलब बार बार अभ्यास करने से महान कल्याणकारी हो जाता है भिक्षु चित्त। बार बार दिया हुआ है, अभ्यास करने से, बहुलीकरण करने से मतलब बार बार अभ्यास करने से चित्त महान हो जाता है। 29 और 30, अभी हम 29 और 30 पैराग्राफ देखेंगे, फिर बाद में अकम्मनीय वग्गो यहाँ पे खत्म हो जाएगा। नाहं भिक्कवे अयम एक धम्मम्पि समनुपस्सामि यम एवं अभावितम अबहुलिकतम अबहुलिकतम दुःखाधिवहम। यहाँ पे दुःखाधिवहम है, होति यथइदम। और 30 नंबर के पैराग्राफ में सुखाधिवहम, बस फर्क इतना ही है, दुख के जगह सुख डाला हुआ है, दूसरा कुछ नहीं। और अबहुलिकतम की जगह बहुलिकतम, बस इतना ही डाला हुआ है। इसका हिंदी अनुवाद देखेंगे। भिक्षु मैं और दूसरा धर्म नहीं जानता जो अभ्यास न करने से, बहुलीकरण न करने से।
29वें पैराग्राफ में भिक्षुओं में और कोई दूसरा धर्म नहीं जानता जो अभ्यास न करने से बहुलीकरण करने से इस प्रकार दुखदायी हो जाता है। बहुलीकरण न करने से मतलब बार बार अभ्यास न करने से क्या हो जाता है, चित्त दुखदायी हो जाता है। बहुलीकरण न करने से मतलब बार बार अभ्यास न करने से चित्त दुखदायी हो जाता है। और नीचे 30 नंबर के पैराग्राफ में क्या दिया हुआ है, बहुलीकरण करने से इतना सुखदायी हो जाता है, मतलब बार बार अभ्यास करोगे तो आपका चित्त मन सुखदायी होगा, और बार बार अभ्यास नहीं करोगे मतलब बहुलीकरण नहीं करोगे तो दुखदायी आपका चित्त होगा। भिक्षु अभ्यास करने से, बहुलीकरण करने से, बार बार अभ्यास करने से या बार बार बहुलीकरण करने से चित्त सुखदायी हो जाता है। हमें इस वग्ग से सीख भी मिलती है कि सबने बार बार अभ्यास करना चाहिए। अभ्यास से क्या होता है कि मानव के चित्त में मन में सुखद वेदनाएं निर्माण होती है, सुख आ जाता है, मतलब वो सुखी रहता है, उसका चित्त सुखी हो जाता है। और अभ्यास न करने से मानव का चित्त दुखदायी हो जाता है। इससे हमें स्टूडेंट को, विद्यार्थियों को सीख मिलती है, हमें इससे सीख भी मिली है। और ये पढ़ने से, स्टडी करने से हमें नेट GRF भी मिलेगी, और नेट GRF मिलने से हमें सुख मिलेगा, मतलब बार बार स्टडी करने से हमें सुख मिलेगा और सुख के साथ नेट GRF भी मिलेगी बार बार स्टडी करने से। अभी यहाँ पे हमारा अकम्मनीय वग्ग खत्म हो गया है, अकम्मनीय वग्गो खत्म हो गया। इसमें से पूछ जाएंगे कि निवरण, जो निवरण पहान वग्ग है उसमें कितने निवरण है, तो 5 है। 5 मतलब उत्पन्न होने से क्या होता है और अनुत्पन्न होने से क्या होता है, ये ऐसे पूछे जाएंगे। और अकम्मनीय वग्ग में क्या है कि अभ्यास करने से क्या फायदा होता है और अभ्यास न करने से क्या होता है, ये भी 5 ही है। मतलब अभी आगे हम दूसरा जो सिलेबस है वो बाद में देखेंगे। धन्यवाद दोस्तों।